दुनिया भर में जितना कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसकी एक तिहाई भारत की मुल्की लोगों की है। आज जब हम रिसर्च के बारे में चर्चा कर रहे थे तब फार्मा सेक्टर की एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा दुनिया की 200 देशों में आज हम दवाई भेजते हैं, 200 देशों में भारत से बनी हुई दवाई जाती है। अमेरिका की 40% मेडिसिन भारत सप्लायर है। अभी कल्पना करिए 60 की दशकों में से बहुत अनुभवी लोग हैं, हमको अमेरिका से सड़ी हुई गेहूं खरीदना पड़ा था मुफ्त में नहीं, पर इस बार कोरोना में हमने दवाई दिया उनको और आज भी हम प्रमाणित करते हैं 40% मेडिसिन सप्लाई भारत से होती है। इसलिए पीएम जब कहे हैं कि हम इसको आइडिया के, इनोवेशन के, नवाचार की ये नर्सरी है, ये दो शब्द नहीं है, इसको अमल में लाने की दायित्व तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में ही मधुरता है। एनईपी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिलोसॉफिकली किसी की दो मत नहीं है। यूजीसी के निमंत्रण में एक ऑटोनोमस कॉलेज केरल से आई है, जो कॉलेज को चलाते हैं कुछ हमारे नन बहनों ने, कॉलेज कौन चलाता है ने पूछा, जब हमें मिले उनको याद है कॉलेज की मैनेजमेंट कौन है, कॉलेज की मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ नन्स है, ग्रुप ऑफ सिस्टर्स है। किस विषय पे उनका विशेषज्ञता लेके आए थे यहां, 14वीं सदी में माधव जो गणितज्ञ थे जो पाई को दुनिया के सामने लाए उनकी बारे में मलयालम लैंग्वेज में संस्कृत भाषा में लिखी हुई आदि ग्रंथ को वो रिस्टोर करके नया किताब बनाने के काम पे लगा है। ये केरल वाले अगर कहेंगे, केरल की आज की सरकार कहेगा मैं एनईपी को विरोध करता हूं, तो उनको मैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसके शब्द मेरे उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं, कोई इसको विरोध करने का कोई कारण नहीं है। ये घट जा चुके हैं, पहाड़ हम अधे चढ़ चुके हैं, जो 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 उच्छा आज मैंने देखा। अब कल्पना करिए, मैं कॉन्शियसली फिर दोबारा रिपीट करता हूं, केरल की कृष्ण धर्म अवलंबी कुछ बहनों के द्वारा चलाई गई स्कूल 14वीं सदी की भारत की मूल विचारक माधवाचार्य की लिखी हुई गणित की पोथी को मलयालम लिपि संस्कृत भाषा में लिखी हुई लिपि को 21वीं सदी में दुनिया के सामने लाने के लिए कमिटेड है। यह एनईपी है, कौन रुकवा सकता है उसको, हर एक इंस्टीट्यूशन की ऐसी ऐसी कहानी है।